क्या होगा अगर आपका सामना दुनिया के सबसे जहरीले जानवर से हो जाए जिसका जहर साइनाइड से भी ज्यादा तेज हो और आपको ये भी पता हो कि अभी तक इस जानवर के जहर से लड़ने वाली एंटीडोट या दवाई भी अब तक नहीं बनी है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों को जिनके जहर की एक बूंद कई लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला सकती है। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। नंबर 10, पफर फिश। इस मछली के आसपास अजीब से कांटे निकले होते हैं जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। पफर फिश एक ऐसी मछली है जो दिखने में भले ही कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगती हो लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मछली का जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा तेज होता है और इसी वजह से ये मछली हर साल लगभग 100 लोगों की जान ले लेती है। जब ये मछली किसी को काटती है तो पहले इंसान पैरालाइज हो जाता है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। ये मछली जापान, फिलीपींस व मैक्सिको जैसी जगहों में पाई जाती है। हालांकि इतनी ज्यादा जहरीली होने के बाद भी जापान के लोग इस मछली को बहुत ही चाव से खाते हैं। नंबर 9, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस ऑक्टोपस पर ब्लू रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स बहुत ही सुंदर, चमकीले और खूबसूरत दिखते हैं और इसी वजह से शिकारी जानवर इस ऑक्टोपस की तरफ खींचे चले आते हैं और खुद हमले का शिकार हो जाते हैं। इस ऑक्टोपस को केवल छूने भर से ही आप इसके जहर का शिकार हो सकते हैं। इसका जहर हमारी आंखों और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अपना सीधा असर डालता है जिससे जान भी जा सकती है क्योंकि अब तक इसके जहर को मात देने वाली कोई भी दवाई या एंटीडोट नहीं बनी है। ये ऑक्टोपस आमतौर पर 8 इंच तक का होता है जहां बाकी जानवरों के काटने पर हमें दर्द या फिर जलन जैसा महसूस होता है लेकिन वही इस ऑक्टोपस के काटने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और यही पर हम धोखा खा जाते हैं। वैसे ये ऑक्टोपस कई जगह पाया जाता है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस जैसी जगह शामिल है। तो ऐसा कोई भी क्रिएचर आपको सी में दिखे तो होशियार रहिएगा। नंबर 8, स्लो लॉरस। कुछ एक छोटे से बंदर जैसा दिखने वाला ये जानवर आपको भले ही भोला और शांत लगे पर है असल में ये बहुत ही खतरनाक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानवर दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। अगर ये जानवर किसी को भी अपनी जीभ से काट भर ले तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से व्यक्ति को बचाया जा सकता है और अक्सर इन जानवरों का शिकार वही लोग बनते हैं जो इनकी मासूमियत को देखकर इनको अपने घरों में पालने की कोशिश करते हैं या फिर इनके साथ फोटो लेने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी आंखों वाले ये जानवर रात के अंधेरे में भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अक्सर पेड़ों पर ही पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 8 से लेकर 10 इंच तक बढ़ सकती है और ये खाने में कीड़े मकोड़ों के साथ साथ फल और वेजीज भी खाते हैं। आमतौर पर ये जानवर फिलीपींस, चाइना, श्रीलंका और इंडिया में भी पाए जाते हैं। नंबर 7, बॉक्स जेलीफिश। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुन्द्र में पाई जाने वाली ये मछली दुनिया भर के सभी जानवरों में सबसे खतरनाक है और इस मछली को खतरनाक बनाता है इसका जहर। इसका सर एक बॉक्स जैसा होता है और इसी वजह से इस मछली का नाम बॉक्स जेलीफिश पड़ा है। बालों की तरह दिखने वाले इसके डंक 6 फीट से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं और इन्हीं डंक से ये मछली अपने एनिमीज पर हमला करती है। वैसे आपको बता दे कि ये मछली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और इसी वजह से ये मछली लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाती है और पानी में इसके करीब आने का अंदाजा नहीं लगता। इसी बात का फायदा ये उठा लेती है और पास आकर डंक मार देती है। इस मछली के डंक मारने पर जान पर बनाती है क्योंकि डंक मारने के बाद इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता और अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो काटेगा इंसान की धड़कनें रुकने में ज्यादा समय नहीं लगता, यानी इस मछली का काटा पानी भी नहीं मांगता। नंबर 6, डेथ स्टॉकर। दुनिया भर में वैसे तो स्कॉर्पियंस की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है जो कि अलग अलग रंगों और अलग अलग शेप्स की होती है लेकिन इन सभी स्पीशीज में से डेथ स्टॉकर का नाम सबसे ऊपर आता है जिसका कारण है इनका जहर जो कि बाकी सभी स्कॉर्पियन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। और जितने भी स्कॉर्पियन बाइट के केसेस दुनिया भर में होते हैं उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी स्कॉर्पियन की इन्हीं स्पीशीज की होती है।
इसीलिए ये स्कॉर्पियंस बहुत बदनाम है। इनके बदनामी के कारनामे यही नहीं रुकते, ये स्कॉर्पियंस जहरीले सांपों को भी मौत के घाट उतार सकती है। अगर बात की जाए इंसानों की, तो ये इंसानों को भी अपना शिकार बनाती है और मौका मिलते ही अपना डंक उनके शरीर पर दे मारती है। इनका डंक लगते ही इंसान पैरालाइज हो जाता है और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इंसान मौत की नींद भी सो सकता है। नंबर 5, ब्लैक मांबा। इन सांपों का मुंह अंदर से काला होता है, इसीलिए इनका नाम ब्लैक मांबा पड़ा है। दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स की बात अगर की जाए तो उसमें हमेशा की तरह ब्लैक मांबा का नाम आना लाजमी है, जिसकी रफ्तार तेज है और उससे भी तेज है इनका जहर। ये एक ही हमले में किसी भी इंसान या जानवर को मार सकते हैं। ये सांप बाकी सारे सांपों से खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि बाकी सांप जहां सिर्फ छेड़ने पर ही हमला करते हैं, वही ये सांप बिना छेड़े ही किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है। और अगर किसी इंसान और ब्लैक मांबा का आमना सामना हो जाए तो ये सांप अपनी पूंछ के सहारे लगभग 6 फीट ऊपर उठकर सीधे आपके मुंह पर भी वार कर सकता है। अगर ये सांप इंसान को काट ले तो इंसान पैरालाइज भी हो जाता है। ये सांप अपने शिकार पर लगातार हमला करता है। इसके पास हर वो चीज है जो एक शिकार को मारने के लिए चाहिए होती है, तेज रफ्तार भी, अग्रेशन भी और जानलेवा जहर भी। नंबर 4, स्टोन फिश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मछलियां दिखने में एक पत्थर यानी स्टोन जैसी होती है और ये ऐसी इसलिए होती है क्योंकि ये खुद को किसी भी माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। इन मछलियों का वजन 2 किलो तक हो सकता है और ये 20 इंच तक बड़ी हो सकती है। समुन्द्र में रहने वाली ये मछलियाँ 10 सालों तक जिंदा रह सकती है और इनकी 5 प्रजातियाँ पूरी दुनिया भर में पाई जाती है। वैसे अगर आपका पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो आपकी जान के लाले पड़ जाएंगे। जितना वजन इनके ऊपर पड़ता है उतना ही ये जहर प्रोड्यूस करती है। अपने डंक की मदद से ये स्टोन मछलियाँ जो जहर निकालती है वो इतना तेज होता है कि आपको अपना पैर तक कटवाना पड़ सकता है। इनकी काटने की रफ्तार 0.15 सेकंड से कम की होती है, जो कि पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इन मछलियों को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीली मछली क्यों कहा जाता है। वैसे आपको बता दे कि इतनी ज्यादा जहरीली होने के बाद भी इस मछली को जापान और चाइना जैसे देशों में बहुत ही चाव से खाया जाता है। नंबर 3, वॉन्डरिंग स्पाइडर। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ी कौन सी है? इस मकड़ी का नाम है वॉन्डरिंग स्पाइडर, जो कि साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है। और ये ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि घरों और गाड़ियों में बहुत ही आसानी से पाई जाती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, इस मकड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जिसका कारण है इसका जहर। अगर ये मकड़ी किसी भी इंसान को काट लेती है तो सबसे पहले उसका जहर ह्यूमन बॉडी सेल्स को नष्ट करने लगता है, जिससे इंसान पूरी तरह से पैरालाइज भी हो सकता है। और अगर समय पर इंसान का इलाज नहीं कराया जाए तो धीरे धीरे काटे गए इंसान का दम घुटने लगता है और आखिर में वह अपनी जान गंवा देता है। नंबर 2, कोन स्नेल। आपने नन्हे और प्यारे स्नेल्स को तो जरूर देखा होगा। वैसे तो ये हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन स्नेल की एक प्रजाति ऐसी भी है जो इंसानों को भी मार सकती है। ये 6 इंच का स्नेल एक नहीं बल्कि 20-20 लोगों को एक साथ मारने की काबिलियत रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्नेल कितना जहरीला होता होगा। ये स्नेल दिखने में कोन की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम कोन स्नेल पड़ा। हालांकि स्नेल को सिगरेट स्नेल भी कहते हैं, क्योंकि जितनी देर में एक सिगरेट खत्म होती है उतनी ही देर में इसके काटे गए जानवर या इंसान की जान निकल जाती है। ये स्नेल अक्सर समुद्र तटों के आसपास पाया जाता है और हमले का डर होते ही ये तुरंत ही अपना डंक मार देता है, जिससे मौत पक्की है। ये स्नेल खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि अभी तक इस जानवर के जहर से लड़ने के लिए किसी भी तरह की दवाई या एंटीडोट अब तक नहीं बना है। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। आपने अपने आसपास मेंढक तो जरूर ही देखे होंगे, वो सब दिखने में बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखने में चमकीला और भड़कीला होता है और ये जितना ज्यादा चमकीला होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, जिसका कारण है इसका जहर। ये मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है। ये मेंढक इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसे काटने की भी जरूरत नहीं होती, यानी आप बस इसको छू भर लो और काम तमाम।
ये मेंढक अपनी चमकीली त्वचा की वजह से ही लोगों और जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, और इसी वजह से जब शिकारी इसके पास चलकर आता है तो खुद शिकार बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज्यादा जहरीला लगा और जिसका सामना आप कभी नहीं करना चाहेंगे। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द पहुंच जाए।